वेलकम इन्वेस्टर्स, अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 6 अप्रैल 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम बजाज फाइनेंस के स्टॉक को टेक्निकल एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें ऐसे क्या हुआ कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें 5% के लगभग आसपास इसने एक डाउनसाइड फॉल दिया। तो सबसे पहले चलते हैं हम मंथली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके के चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये बजाज फाइनेंस का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट को अगर हम गौर से देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ने 2020 में एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया था जो 4900 के आसपास, मींस 5000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, आप पकड़ के चलिए 4900 समथिंग के आसपास ये एक हाई प्राइस है जिस पे ट्रेड किया था। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक ने एक कोरोना के चलते करेक्शन आया और अगर हम अभी का प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे तो मंथली ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है और यहाँ पर हमारे ऑन मंथली चार्ट पे जो टू लोज है उनको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करता है कि मंथली ट्रेंड अभी भी अप है। अब चलते हैं हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो मंथली ट्रेंड लाइन है उसी से जस्ट लगकर ही यहाँ पर एक वीकली ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ जिससे हम क्लियरली इसे देख सके, तो ब्लैक कलर मैं यूज करूंगा। तो हमारे पास अभी जो रिसेंट टू लोज है इस लो को और इस लो को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मंथली ट्रेंड तो अप है और उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो 3 वीक यानी 2 वीक के पहले तक इसका वीकली ट्रेंड भी अप था, लेकिन ये जो एक बेरिश कैंडल हमको दिख रहा है ऑन अ वीकली बेसिस पे जिसने इस वीकली ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया और उसी के साथ यहाँ पर जो डेली एंड डेली ट्रेंड था वो एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और उसी के साथ बात करेंगे हम डिमांड एंड सप्लाई की। तो वीकली चार्ट को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट है जो कि 4678 तक है और ये जो ऑलरेडी हमने जो एक येलो कलर का लाइन ड्रॉ किया था ये मंथली सपोर्ट है जो ये स्टॉक ऑलरेडी ऑन मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट देखिए इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था और वो प्राइस है लगभग 4913 के आसपास। अब चलते हैं हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे और वहां पर देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन आने वाले दिनों में आ सकता है। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक डिमांड जोन है, ये एक एरिया ऑफ डिमांड जोन है और उसी के साथ यहाँ से एक मंथली ट्रेंड लाइन भी जा रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करके अगर 4700 तक आता है तो यहाँ से हमें एक लॉन्ग ट्रेड की गुंजाइश, हम यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। तो वो लॉन्ग ट्रेड को समझने के लिए और उसी के साथ हम समझेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में बजाज फाइनेंस में इतना हमें सेल ऑफ क्यों देखने को मिला। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैं इन टू हाइस को कनेक्ट करके यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो डेली ट्रेंड है वो क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है और रिसेंट इन टू हाइस को भी अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पर भी एक हमें इंटरनल जो ये जो डाउन ट्रेंड है उसके अंदर एक फिर से हमें एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है इन टू हाइस को अगर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं तो। और यहाँ से हम लगातार देख पा रहे हैं कि वीकली ट्रेंड डाउन होने के बाद यहाँ से प्राइस जो है वो ऑन अ डेली सपोर्ट के साथ में यहाँ पर जो एक डेली डिमांड जोन था वो भी ब्रेक हो चुका है। ये वो एक डेली डिमांड जोन था जो कि सेकेंड अटेम्प्ट में ही यहाँ पे हमने देखा कि जब इस कैंडल ने ऑन डेली बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो ये डिमांड जोन पूरी तरह से वीक हो गया, कमजोर हो गया और कल के ट्रेडिंग सेशन में इसके नीचे हमें एक मंथली सपोर्ट लाइन तक हमें यहाँ पर एक डाउनफॉल देखने को मिला। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर इसी तरह से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, आज हो सकता है हमें इसमें थोड़ा अप मूव आता दिखे लगभग 5112 तक। अगर आपने इस स्टॉक को यहाँ पे कहीं खरीदा है और
अनरियलाइज्ड लॉस आपके पोर्टफोलियो में, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक का प्राइस आने वाले दिनों में ये जो दिख रहा है 4600 पे जब भी प्राइस आए तो आप यहाँ पे उसे एवरेज कर सकते हैं, और यहाँ से जब भी प्राइस अप मूव आएगा 5100 और 5200 के टारगेट तक, तो आप यहाँ पे आपकी पोजीशन को प्रॉफिट में बदल के निकल सकते हैं। तो ये था बजाज फाइनेंस का डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।